करा लिया क्योंकि अपना ओल्ड कोर्स, ओके 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 हाँ ओल्ड कोर्स में वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं, क्या नहीं था, मतलब परसेंटेज रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो आई गॉट ओके इट कन्वर्टेड. तो 2 महीने में मैंने सिर्फ SFM पढ़ा अच्छे से. ओके लॉडेड गया हुआ है पर ओके मेरा ओके अनफॉर्चुनेटली ऑडिट बिगड़ा है, लॉ फिर भी ठीक था, ओके 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 दैट बाकी मीन्स पेपर्स तो अच्छे थे. हाँ वी कैन से दैट यू आर गोइंग टू लेफ्ट विद द सीए राइट यस. दैट इज ओके ओके सो अरे मतलब सर एक्चुअली आई मैट विथ अ एक्सीडेंट 5 years बैक, तो मेरे को हेड इंजरी ब्रेन इंजरी हुई थी. आपको हो गई थी हाँ, ओ माय गॉड तो आई वॉज इन कॉमा फॉर 15 days. 15 days तो और तभी मेरा IPCC क्रैक हुआ था, अच्छा आपका आईपीसीसी तो तभी क्रैक हुआ मतलब था ओके ओके हाँ तब तभी मतलब मैं बेहोश थी तब. ओ माय गॉड ओ माय तो गॉड उसके बाद फिर अब आर्टिकलशिप तो कंटिन्यू करना ही था, तो पापा के उसमें हो गया था, ओके 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 तो इसमें पर मैं लीव पे थी क्योंकि मैं स्टेबल नहीं थी ना, ओके और उसके बाद फिर ऐसा ये सब चक्कर हो गया. नहीं ये एक तरह से ना ये अप्रिसिएशन है आपको सबसे पहली बात तो ये अप्रिशिएट करूंगा मैं इस चीज के लिए कि आपने एटलीस्ट अपना मोमेंटम बनाए रखा तो ये तो मैं एक तरह से अपने यूट्यूब पे शेयर करूंगा आपकी स्टोरी भी ये छोटी सी ये स्टोरी है ये होनी चाहिए ऑब्वियस है मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर एक इंस्पिरेशन भी चाहिए उनको तो ये इंस्पिरेशन है आपकी साइड से और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ में इतनी चीजें एकदम से अपने साथ हो जाना उसके बाद अपने मोमेंटम को बनाए रखना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब दैट इज होने लग गया है कि काफी सारे सीए स्टूडेंट्स अब आज के टाइम में आईसीआई को लेकर के ना बहुत निगेटिव हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आई थिंक हमारे साथ कुछ मिस्टेक हो रहा है हमारे साथ हमारे फ्यूचर के साथ कुछ गलतियां हो रही हैं बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है आईसीआई जो मार्किंग करता है वो अपने हिसाब से करते हैं बट क्या है कुछ फैकल्टीज हैं इसका मैं एग्जेम्पशन जा मतलब जा चुकी और फिर पास हुई हूँ मैं, ऐसा भी हुआ है मेरा. ओके 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 नहीं मतलब बहुत नहीं ये बहुत बहुत बड़ी ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी, आपके दुख साथ भरी कहानी. इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो उसके बाद भी आप अपने आप को मोमेंटम बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात होती है ये हर एक के बस का नहीं है ठीक है ना ये हर एक के चीजों को वो हैंडल तो करना मम्मी पापा लगे हुए बोले नहीं तू तू नहीं करेगी तो मैं करता हूँ. उन्होंने रहन दो कर रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं फिर ये था ना कि किसी भी फील्ड में जाए तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, कि बिल्कुल 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 अब हाँ, और अब एज हो गई है, मतलब अभी काफी साल से, 1-2 साल से लगे हुए कि एज बढ़ती जा रही है, ओल्ड कोर्स लोग की तो सबकी एज है, तो अब शादी की बात चल रही है. तो अब मेरा तो सब यही था कि मेरे से नहीं हो रहा, बोला लास्ट अटेम्प्ट था मेरे लिए जुलाई, पर अनफॉर्चुनेटली निकल गया, उसमें भी एग्जेक्ट 200 आए. एग्जैक्ट 200 है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दैट मीन्स लक तुम्हारे साथ था ना तो ये है 200 नंबर भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जो एक तरह से कंसिस्टेंट होते हैं ना और जो एक तरह से अपने आप को हिम्मत नहीं हारते उनके उनका लक भी साथ देता है ये बात मैंने देखी है क्योंकि जब मैंने ये देखा है ऑब्जर्व किया है एट द एंड मोमेंट पे जब आप छोड़ देते हो ना आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा आ जाता है कि अब नहीं बस होगा अब बिल्कुल नहीं होगा अब बोल हाँ दूंगी बस मैं तो उसी टाइम पे शायद की जो होती है ना लास्ट वाली की वो काम करती है लास्ट वाली की तभी काम करती है जब आप बिल्कुल मन बना लेते हो तो ना कि छोड़ना ही है अब तो तभी वो वर्कआउट करती है 83 अभी 83 मूवी आई थी ना, तो नॉरन बने थे, उसके बाद कपिल देव ने फिर अपना मोमेंटम जारी रखा. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 3 पेपर गए थे, समझ में आ गई थी कि 50 के ऊपर तो मेरे नहीं आ रहे हैं, अब बचा लास्ट पेपर. लास्ट पेपर में ऐसे था कि मैंने बोला, और मैं सर हमेशा फेल, पता नहीं IDT से मेरा क्या वास्ता है, हमेशा फेल IDT में. मैंने बोला अब तो लग गए, मैंने बोला कि फिर उसमें मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, सिर्फ ये जो होता है ना ICI मॉड्यूल, उससे पढ़ा, तो आई गॉट 57 इन IDT. तो फिर उस 57 में मेरे बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स में 7 नंबर लेस थे, मतलब टोटल मिला के किसी में 48 थे, किसी में 49 ऐसे थे, तो वो मिला के 7 कंप्लीट कर दिया और एग्जैक्ट 200 आ गए. चलो ये भी बहुत बड़ी बात है चलो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड राइट तो थैंक यू सर, बस ये हाँ बन जाए. बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली
ये अच्छी बात बोली आपने, एटलीस्ट कम से कम ये चीजें जो है ना, एक स्प्रेडनेस होनी चाहिए इसकी भी ना अमंग द स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिल सके, ताकि जो चीज उनको लगता है कि नहीं मुझे एक टाइम पे छोड़ देना चाहिए, तो हो सकता है। देखो स्ट्रगल तो लाइफ में है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी, देर इज अ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस लेने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। करेक्ट, और आप सोचते हो कि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में पड़ता है कि नहीं सीपीटी हो गई है, ईजी हो गई है, फाउंडेशंस हो गया है, चलो अब तो सीए निकल ही जाएगा, इंटर हो जाएगा। वो क्या होता है ना, एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी सीए के अंदर ना बहुत ज्यादा नहीं बिल्ड होना होता है. चाहिए। वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, बट जस्ट एक कॉन्फिडेंस रखो अपने साथ, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मैंने अब तक ये देखा है सीए के अंदर कि डिसिप्लिन एज वेल एज आपका पेशेंस, ये दो चीजें सिखाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रोल कोर्स। ये दो करेक्ट चीजें सर. चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स अरे सर, डेफिनेटली। घर वाले इतने खुश हो गए थे कि मेरा फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका मैं एग्जम्पशन आई थी, पर उसके बाद क्लियर ही नहीं हो रहा. 198 आ रहा है, 195 आ रहा है, और लास्ट पास भी ना तो सिर्फ 200 पे हुई. चलो और बहुत अच्छी फाइनली बात है। पास्ट. नहीं बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कम से कम हाँ शेयर तो किया आपने चीजों को समझने के बाद। देखो क्या होता है कि अपनी लाइफ में ना हमें बहुत सारे ऐसे हर्डल्स दिखेंगे अभी लाइफ में। अभी तो सीए की स्टेज पार करने के बाद बहुत बड़ी स्टेज है, उसको कैसे हैंडल करना है, सीए बनने के बाद इतने सारे हर्डल्स आने हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे। अगर हम अभी से ही हर्डल में फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, हमारा माइंड परेशान करेंगे, तो हम अपने क्लाइंट को कैसे डील कर पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। सही बात है. तो उसके बेसिस की बात होती है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली अच्छा लगा कि भाई एटलीस्ट कम से कम इतने ट्रेजेडी होने के बावजूद भी आपने अपने आप को कंसिस्टेंट बना के रखा, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट।